हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ई पोर्टल ऑफ अपेक्स अकेडमी। तो अभी हम मशीनिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं थ्रू द वीडियो लेक्चर। इसमें काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, इवन जो मैकेनिज्म है मशीनिंग की वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली उस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, किसी भी कंपटीशन में कई बार उस पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि छोटे छोटे बहुत ही बेसिक फंडामेंटल के न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, और कभी कभार कुछ थोड़े टिपिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है टूल बियर। टूल बियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, तो मैं इस टॉपिक को टूल वियर के नाम से ना पढ़ाकर आपको पढ़ाऊंगा टूल फेलियर। टूल फेलियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन से तरीकों से आपका टूल जो है वो फेल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मोड्स ऑफ फेलियर हैं किसी कटिंग टूल के वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ टूल फेलियर। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि टूल किस तरीके से आपका फेल हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं टूल फेल होने के। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा ए पॉइंट, मैकेनिकल ब्रेकेज। मैकेनिकल ब्रेकेज, ठीक है, यानी कि कटिंग टूल का टूट जाना, कटिंग टूल का टूट जाना। ओके, तो कटिंग टूल टूटने का जो होता है फेलियर, वो बेटा सबसे पहले तो याद रखना सबसे बड़ा फेलियर है। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर, बिगेस्ट फेलियर, यानी कि अगर आपका कटिंग टूल टूट गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं क्योंकि वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर होता है बेसिकली जो होता है। ठीक है, इसके बाद इसका रीजन क्या होता है, अगर मैं देखूं रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है बेटा ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन कटिंग एज। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ब्रेक होता है वो टूल में, ब्रेक क्या होता है बेटा, वो होती है बेटा कटिंग जो एज होती है, कटिंग एज ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो वो आता है मैकेनिकल ब्रेकेज में, सबसे बड़ा फेलियर यही है बेसिकली। तो और बेटा इसका रीजन क्या है, एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन कटिंग एज, यानी कि कटिंग एज पे जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लगता है या बहुत ज्यादा कटिंग प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, कटिंग फोर्स, तो जितना ज्यादा कटिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इसी वजह से हम कहते हैं कि कटिंग फोर्स को आपको कम से कम रखना है। ठीक है, तो ये तो हुआ बेटा पहला टाइप। दूसरा जो मोड है फेलियर का वो कौन सा है देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है रैपिड डलिंग, रैपिड डलिंग। ठीक है, यानी कि कटिंग एज की जो धार है, जो कटिंग एज की जो शार्पनेस है वो आपकी डल होने लगेगी। ठीक है, बहुत तेजी से डल होने लगती है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कारण हैं ये देख लेते हैं बेटा, रैपिड डलिंग के, यानी कि धार के कम होने के या कहूं धारहीन होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला तो वही बेटा एक्सेसिव कटिंग स्ट्रेस, एक्सेसिव कटिंग फोर्स या स्ट्रेस, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि फोर्स से ही स्ट्रेस बनेगा। ठीक है, दूसरा है बेटा हाई टेम्परेचर। जाहिर सी बात है जब आपका कटिंग फोर्स ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एक्सेसिव कटिंग फोर्स का एक रिजल्ट क्या है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तीसरा जो इसका कारण है वो है बेटा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर डिफॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के चांसेस इन दोनों कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन तीनों कारणों की वजह से ही जो आपका रैपिड डलिंग होती है, यानी कि जो कटिंग एज होती है वो बहुत तेजी से धारहीन होने लगती है, बहुत तेजी से उसकी धार खत्म होने लगती है, शार्पनेस खत्म होने लगती है। ओके, नाउ तीसरा जो टाइप है उसके लिए मैं ये मिटा देता हूं।
ठीक है। थर्ड टाइप अगर देखा जाए जो मोड ऑफ फेलियर है थर्ड, वो क्या होती है बेटा, उसे हम कहते हैं ग्रेजुअल, ग्रेजुअल वियर, ग्रेजुअल वियर, यानी कि धीरे धीरे जो घिसाव के निशान होते हैं, जो घिसाव होता है कटिंग टूल का, वो ग्रेजुअल वियर। तो ग्रेजुअल वियर तो बेटा जो होती है ये कहां होती है, ग्रेजुअल वियर अकर एट वर्किंग सरफेस, वर्किंग सरफेस ऑफ कटिंग टूल, यानी कि कटिंग टूल के वो सरफेस जो कि वर्किंग के दौरान किसी के कांटेक्ट में रहते हैं या कहीं उनके कांटेक्ट होने के चांसेस होते हैं। एग्जांपल कौन कौन से सरफेस है बेटा, वो एक तो रेक सरफेस है, रेक, और एक फ्लैंक सरफेस, फ्लैंक सरफेस, ठीक है, फ्लैंक फेस। ये ऐसे फेसेस हैं कटिंग टूल के जहां पर ग्रेजुअल वियर होती है, यानी कि ग्रेजुअल वियर होगी कहां पर, घिसाव होगा कहां पर, रेक सरफेस और फ्लैंक फेस पे, ठीक है। तो बेटा ये जो हमने तीनों टाइप के अभी मोड्स ऑफ फेलियर पढ़े, इसमें से मैकेनिकल ब्रेकेज और रैपिड डलिंग को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, बहुत इजीली। कैसे, मैं लिख देता हूं यहां पर, साफ कर देता हूं, ठीक है, नोट्स उतारते चलिए आप लोग, ओके। तो बेटा जो आपका मैकेनिकल ब्रेकेज है, मैकेनिकल ब्रेकेज एंड, मैकेनिकल ब्रेकेज एंड रैपिड डलिंग, रैपिड डलिंग, बेटा ये जो दो रीजन है मैकेनिकल सॉरी टूल फेलियर के, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इन दोनों को कंट्रोल किए जा सकते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाई, इनको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाई, कैन बी कंट्रोल्ड बाई चूजिंग, चूजिंग करेक्ट कटिंग पैरामीटर, करेक्ट कटिंग पैरामीटर, कटिंग पैरामीटर जो हैं आपके जितने भी हैं उन्हें सही से आप चूज कर लीजिए। कटिंग पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं कटिंग पैरामीटर के कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कटिंग टूल, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि इन्हें कंट्रोल करके आप मैकेनिकल ब्रेकेज और रैपिड डलिंग को कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीका तो यह। दूसरा क्या होता है, एक काम और करना होगा हमें बेटा इन्हें कंट्रोल करने के लिए, कि चूज कटिंग टूल, कटिंग टूल मटीरियल, चूज कटिंग टूल मटीरियल प्रॉपरली, प्रॉपरली, यानी कि आपको जो कटिंग टूल का मटेरियल है बहुत सुटेबली सेलेक्ट करना है, ठीक है, बहुत सुटेबली सेलेक्ट करना है। तो मैकेनिकल ब्रेकेज और रैपिड डलिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सही कटिंग पैरामीटर चूज कर लीजिए, कटिंग पैरामीटर जैसे कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या आ गया जैसे रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, ये सब, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको कटिंग टूल का मटेरियल भी बहुत सुटेबली, बहुत ही अकॉर्डिंग टू वर्क मटेरियल चूज करना होता है, कि जिस तरह का वर्क मटेरियल है उसी हिसाब से आपको कटिंग टूल भी चूज करना होगा, ओके। अब बात करते हैं बेटा ग्रेजुअल वियर की, इसे मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा ग्रेजुअल वियर की, ग्रेजुअल वियर, ठीक है, ग्रेजुअल वियर। बेटा ग्रेजुअल वियर क्या है, कि ग्रेजुअल वियर को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एलिमिनेट कंप्लीटली
द ग्रेजुअल वियर, नेचुरली ये तो होनी ही होनी है, यानी कि समय के साथ साथ कटिंग टूल के ऊपर घिसाव आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा कभी, आना ही आना है, ठीक है। तो ग्रेजुअल वियर तो नेचुरली होगी होगी, हर हालत में कभी ना कभी तो कटिंग टूल आपका फेल हो गई, तो उसका जो मेन कारण होता है वो ग्रेजुअल वियर होती है। शुरू के जो मैकेनिकल आपका ब्रेकेज था या रैपिड डलिंग था उसे हमने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो ग्रेजुअल वियर के सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब टाइप्स एंड रीजन, कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से ग्रेजुअल वियर आपका प्रोड्यूस होती है वो पढ़ेंगे। तो टाइप पढ़ेंगे और फिर रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्रेजुअल वियर है, नंबर वन जो सबसे पहला ग्रेजुअल वियर है आपका, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वियर, मैकेनिकल वियर, मैकेनिकल वियर, ठीक है। अब मैकेनिकल वियर में भी कैटेगरी है, ठीक है। पहली कैटेगरी है मैकेनिकल वियर में, जो मैकेनिकल वियर होगी ग्रेजुअल वियर होगी उसमें जो पहली कैटेगरी वो है थर्मली, थर्मली इनसेंसिटिव टाइप, थर्मली इनसेंसिटिव टाइप, ठीक है, थर्मली इनसेंसिटिव टाइप, ये होता है पहला। अब किसी कोई यानी कि वो मैकेनिकल वियर जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मली इनसेंसिटिव टाइप, यानी कि ये जो आपकी मैकेनिकल वियर होंगी इसमें टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं होगा। पहली इसमें जो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल लेता हूं मैं पहला, उससे कहते हैं एब्रेशन, एब्रेशन, ठीक है। एब्रेशन एक ऐसी मैकेनिकल वियर है जो थर्मली इनसेंसिटिव टाइप की है, इसमें किसी भी तरीके से टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। तो फिर किस चीज का रोल है, मैं रीजन लिख देता हूं आगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। स्क्रैच, यानी कि स्क्रैचिंग हो, सरफेस पे स्क्रैच बन जाए, रबिंग, रगड़, रबिंग हो, ठीक है, या प्लोइंग, प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब होता है बेटा जैसे हम खेत की जुताई करते हैं ना, इसी तरीके से क्या होता है कि कटिंग टूल के सरफेस पे भी निशान आ जाते हैं लंबे लंबे, इस टाइप से, यानी कि आपका मशीनिंग के दौरान ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे गड्ढे बन जाएंगे, आप समझ रहे हैं, तो उसे प्लोइंग कहते हैं, ठीक है। तो अब्रेशन के जो रीजन है हमने देखा यहां पर, अब्रेशन के रीजन वो है आपका एक तो स्क्रैचिंग, सॉरी स्क्रैचिंग, ठीक है। एक पहला जो रीजन क्या है वो है बेटा स्क्रैचिंग, दूसरा है रबिंग, प्लोइंग एटसेट्रा, यानी कि जितने भी आप देख रहे हैं घिसाव की वजह से किसी भी तरीके से रगड़ जो लग रही है वो इसका रीजन है अब्रेशन का, ठीक है, वो अब्रेशन का रीजन है, ठीक है। अब ये घिसाव वगैरह होते कैसे हैं, क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम कास्टिंग करते हैं खासतौर से फेरस एलॉय की, फेरस एलॉय मतलब वो एलॉय जिनमें लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तो जब हम किसी फेरस अलॉय की कास्टिंग करते हैं तो उस कास्टिंग के दौरान ऐसा पॉसिबल है कि लिक्विड फेरस अलॉय में सैंड मिल जाए, क्या मिल जाए, सैंड, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी चीज की सैंड मोल्डिंग या सैंड कास्टिंग करते हैं तो लिक्विड मेटल को जब उड़ेलते हैं मोल्ड कैविटी में तो ऐसा पॉसिबल है कि उस लिक्विड मेटल में कुछ सैंड मिक्सअप हो जाए, तो वो लोहा जो आयरन है वो उस सैंड के साथ मिलकर एक मटीरियल बनाता है जिसे हम कहते हैं फाइलाइट, क्या कहते हैं, फाइलाइट, ठीक है, फाइलाइट होता है आपका आयरन प्लस सैंड मिलकर, ठीक है, इससे हम कास्टिंग में पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। तो ये जो फाइलाइट्स होते हैं ये बहुत बहुत हार्ड होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, इंप्यूरिटी ही होती है एक तरह की, वेरी हार्ड इंप्यूरिटी। और जब ये हार्ड इंप्यूरिटी बेटा वर्किंग सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो बेटा एब्रेशन होता है। बहुत ही ज्यादा हार्ड जब कोई चीज किसी कटिंग टूल के सरफेस पर रब होगी ऐसे इस तरीके से तो क्या होगा बेटा कि वो अपने निशान छोड़ जाएगी, स्क्रैचिंग नजर आएगी, रबिंग नजर आएगी, प्लोइंग नजर आएगी, ठीक है। तो फाइलाइट इसका रीजन है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये फाइलाइट कटिंग एज के कॉन्टेक्ट में आते हैं
तो कटिंग एज पर भी, कटिंग एज भी आपका खराब होती है, यानी कि उसे भी ये खराब करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है तो ऐसा पॉसिबल है कटिंग टूल की कटिंग एज इसे कट कर ही ना पाए। तो वहां पर क्या होता है, एक तरह से मशीनिंग अटक जाती है और कटिंग एज उस पर्टिकुलर जगह से बहुत ज्यादा रब हो जाती है, बहुत ज्यादा उसकी घिसाई हो जाती है, बहुत ज्यादा, तो वो खराब हो जाती है कटिंग एज एक तरह से। तो फाइलाइट जो है वो कटिंग एज के दुश्मन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ बेटा एब्रेशन के बारे में। दूसरा जो आपका थर्मली इनसेंसिटिव टाइप का एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल वो है बेटा चिपिंग। चिपिंग, ठीक है। चिपिंग किसकी, यानी कि कटिंग एज के छोटे छोटे टुकड़ों में भुरभुरा जाना, यानी कि कटिंग एज टूट कर छोटे छोटे पाउडर पार्टिकल में बदल गई, होता है ना चिपिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ चिपिंग होती क्या है बेसिकली। यानी कि आप किसी बहुत ही, मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है और आपने उसे शार्पनर से बहुत तेज करा, बहुत बारीक आपने पेंसिल की नोक बना ली। जब आप उसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो शुरू में आप देखते हैं कि उस पेंसिल की जो टिप होती है उससे कुछ पार्टिकल टूटते हैं जरूर हर हालत में। तो वो जो टिपिंग जो आप देख रहे हैं वो पार्टिकल टूट रहे हैं वही कहलाती है चिपिंग। तो ऐसी क्या होती है, जब बहुत शार्प एज कॉन्टेक्ट में आती है कटिंग टूल के तो उसकी चिपिंग होती है। अब चिपिंग हमेशा नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगी, यानी कि अगर आप अपनी पेंसिल को सुटेबली शार्प करेंगे तो चिपिंग ना भी हो। तो इसी तरीके से अगर मैं अपने कटिंग टूल को सुटेबली शार्प करूंगा तो पॉसिबल है कि चिपिंग ना हो, लेकिन फिर भी अगर उसमें फाइलाइट्स हैं, इसके रीजन लिख रहा हूं मैं, अगर आपका वर्क पीस में फाइलाइट्स हैं तो चिपिंग हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसके अलावा हाई रेक एंगल, जब बहुत हाई रेक एंगल लेते हैं हम अपने कटिंग टूल में तो भी चिपिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि वेज एंगल, ये कटिंग टूल था आपको याद है, तो ये तो आपका रेक एंगल था और ये जो एंगल था ये वेज एंगल, ये कम होना शुरू हो जाएगा जिससे कटिंग टूल की जो टिप होती है उसके चिपिंग होने के या टूटने के चांसेस बढ़ जाते थे, याद है आपको। तो चिपिंग के लिए बेटा ये दो चीजें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, फाइलाइट की प्रेजेंस, कि जैसी फाइलाइट के कॉन्टेक्ट में आपकी शार्प एज आती है तो वहां से उसकी चिपिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से हाई रेक एंगल वेज एंगल को कम करेगा जिसकी वजह से कटिंग टूल की टिप की चिपिंग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये दो तरह के एग्जाम्पल थे बेटा थर्मली इनसेंसिटिव टाइप में। अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल वियर में ही आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा थर्मली सेंसिटिव टाइप, यानी कि अब जो मैकेनिकल वियर हम पढ़ेंगे वो थर्मली सेंसिटिव टाइप होंगी, वो डिपेंड करेंगी टेम्परेचर पर, ठीक है। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है शुरुआत में ही एडेशन वियर, ठीक है, यानी कि एडेशन वियर। ये एडेशन वियर क्या होती है, यानी कि एक तरीका है वियर होने का, ठीक है। तो थर्मली सेंसिटिव टाइप में जो सबसे पहला इफेक्ट देखने को सामने आएगा वो है बेटा एडेशन, और एडेशन का जो मेन रीजन है वो क्या है बेटा, एक्सेसिव हाई टेम्परेचर। एक्सेसिव हाई टेम्परेचर यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि एडेशन होगा। अब होता क्या है बेटा, मैं बता देता हूं आपको एक डायग्राम की मदद से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कटिंग टूल एंड दिस इज द चिप, ये चिप है, ठीक है, यहां कॉन्टेक्ट में है चिप, ठीक है। अब इसका डायग्राम मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, ये रेक फेस है और ये आपकी चिप है, ठीक है। ये इसका मैंने डायग्राम यहां बना दिया, दिस इज चिप, ये हिस्सा चिप का है और दिस इज टूल, ठीक है। अब क्या होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, आपको याद है मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है कटिंग टूल में वो टिप से 2 से 3 mm इधर की तरफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा बेटा कि चिप जो है वो टूल के साथ स्पॉट वेल्डेड हो जाएगी, यानी कि चिप और टूल के बीच वेल्डिंग हो जाएगी इस टाइप से,
इन्हें कहते हैं, अब ये वेल्डिंग किस टाइप की होगी बेटा, ये होगी बेटा सेम ऐसी ही जैसे स्पॉट वेल्ड होता है, हम पढ़ेंगे जब वेल्डिंग पढ़ेंगे, स्पॉट वेल्डिंग एक प्रोसेस होता है उसमें, तो स्पॉट वेल्ड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही चिप टूल पर घिसट कर आगे बढ़ेगी, यानी कि मशीनिंग एरिया से बाहर निकलेगी, तो ये वेल्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे, और जैसे ही ये वेल्ड ब्रेक होते हैं तो पॉसिबल है कि ये कटिंग टूल का कुछ मटेरियल अपने साथ ले जाएं, कटिंग टूल का कुछ मटेरियल अपने साथ ले जाएं। तो चिप क्या होती है, ड्यू टू एक्सेसिव हाई टेम्परेचर स्पॉट वेल्डेड हो जाती है वर्क पीस के रेक सरफेस पर, और जैसे ही ये चिप मशीनिंग एरिया से बाहर निकलती है तो क्या होती है कि स्पॉट वेल्ड टूटते हैं, और स्पॉट वेल्ड टूटने के कारण क्या होता है कि कटिंग टूल का कुछ ना कुछ मटेरियल वो अपने साथ ले जाती हैं, जिससे कि आपका कटिंग टूल खराब होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हुआ एडेशन की वजह से, किसकी वजह से हुआ बेटा ये, एडेशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं अगर इसी के थर्मली सेंसिटिव टाइप में, वो है बेटा थर्मल फ्रैक्चर, थर्मल फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा बेटा थर्मल फ्रैक्चर में, ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर जो कटिंग एज होती है, स्पेशली साइड कटिंग एज, एंड कटिंग एज पे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली जो साइड कटिंग एज होती है बेटा कटिंग टूल की, उसकी कटिंग एज पर यहां पर क्रैक प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये ऐसे ऐसे कुछ इधर भी हो जाते हैं अगर कॉन्टेक्ट में है तो, ठीक है। तो ये सब होते हैं थर्मल थर्मल क्रैक्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कटिंग एज जो है वो धीरे धीरे फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है, और एक समय आने पर वो बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ थर्मल फ्रैक्चर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं थर्मली सेंसिटिव टाइप का, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका कहलाता है ग्रेन ग्रेन पुल आउट, यानी कि होगा क्या, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर जो कटिंग टूल का रेक सरफेस है उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल के चिप पर चिपक कर मशीनिंग एरिया से बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर कटिंग टूल के रेक सरफेस से टूल के कुछ पार्टिकल्स चिप के साथ चिपक जाते हैं और चिप के साथ साथ मशीनिंग एरिया से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रेक सरफेस पर आपका मटेरियल ग्रेन्स की फॉर्म में बहुत धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, जो एक लंबे समय के बाद काफी ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेन पुल आउट, ठीक है। तो थर्मली सेंसिटिव टाइप की जो मैकेनिकल वियर थी वो आपकी बेटा ये है। तो मैकेनिकल वियर में इतना ही है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे टाइप की वियर जिसे हम कहते हैं बेटा थर्मोकेमिकल वियर, थर्मो केमिकल वियर, ठीक है, थर्मोकेमिकल वियर। थर्मोकेमिकल वियर जो है बेटा नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर और कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन योगदान करेगी किसमें, वियर होने में, यानी कि द थर्मल एक्शन एंड केमिकल एक्शन विल कंट्रीब्यूट इन दिस वियर, इस घिसाव में इन दो वजह से, टेम्परेचर की वजह से और केमिकल रिएक्शन की वजह से वियर होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है बेटा वो ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल इसका, डिफ्यूजन डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, मास ट्रांसफर, क्या होता है बेटा, मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ठीक है, मास ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है बेटा डिफ्यूजन में, इसका जो रीजन है बेसिकली वो वही है, रीजन लिख देता हूं मैं इसका, रीजन हाई टेम्परेचर एट वर्किंग सरफेस, ठीक है। रीजन इसका भी बेटा क्या है, बेसिकली हाई टेम्परेचर ही है। होता क्या है बेटा कि मास डिसलोकेशन की वजह से, मास डिसलोकेशन कहूं या मास ट्रांसफर कहूं, बात एक ही है, ठीक है। तो मास डिसलोकेशन की वजह से क्या होता है, कुछ मटेरियल कटिंग टूल का चिप के साथ साथ मशीनिंग एरिया से बाहर जाना शुरू हो जाता है, जिसे हमने ग्रेन पुल आउट भी पढ़ा था,
ग्रेन पुल आउट भी पड़ा था, लेकिन ग्रेन पुल आउट कम होता है ड्यू टू रबिंग। जब रब होगी कोई चीज तो कहीं ना कहीं से, मान लीजिए कोई चीज किसी चीज पर रब हो रही है तो कहीं ना कहीं बेटा आप देखेंगे कि टेम्परेचर तो जनरेट हो गई हाई, ठीक है, लेकिन आपका जो ग्रेन पुल आउट बेसिकली एट लोअर टेम्परेचर होता है और डिफ्यूजन के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो डिफ्यूजन के केस में क्या होगा कि हाई टेम्परेचर जब वर्किंग सरफेस पे, जैसे कि रेक सरफेस पे जब होगा तो क्या होगा, मास डिसलोकेशन स्टार्ट होगा या कहूं मास ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। किस मास का, किसका मास बेटा, कटिंग टूल का मास ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा चिप के साथ, चिपके साथ। तो इससे क्या होता है बेटा कि वर्किंग सरफेस जो है कटिंग टूल का वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रक्चर में उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा और कटिंग टूल फेलियर की तरफ बढ़ने लगेगा बहुत तेजी के साथ, ठीक है। तो इससे आपका क्या, आपको क्या पता चला इसमें कि इसमें रीजन क्या है बेटा, सबसे पहले हमने देखा हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर की वजह से स्ट्रक्चर फेल होता है। दूसरा जो इसका रीजन है बेसिकली वो है हाई केमिकल एफिनिटी, एफिनिटी बिटवीन वर्कपीस एंड कटिंग टूल, एंड कटिंग टूल, ठीक है, ओके, एंड कटिंग टूल। ये हमारी बेटा सेकेंड टाइप की है, पहली हमने मैकेनिकल पढ़ ली, दिस इज द सेकेंड टाइप, थर्मोकेमिकल भी है। ओके, तो दूसरा रीजन है बेटा कि कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच हाई केमिकल एफिनिटी, यानी कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो अगर, ठीक है, तो क्या होता है हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। और क्या होता है कि कटिंग टूल का कुछ हिस्सा, एक सरफेस का कुछ पार्टिकल जो है एज मास ट्रांसफर चिप के साथ साथ मशीनिंग एरिया से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा डिफ्यूजन, जिसके मैंने आपको रीजन लिखवा दिए, दो रीजन है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे बेटा, इसका एक ही एग्जाम्पल थर्मोकेमिकल वेयर का, अब हम आगे बात करेंगे थर्ड टाइप वेयर का। जो थर्ड टाइप है उसे कहते हैं बेटा इरोजन, क्या कहते हैं बेटा, इरोजन वेयर, इरोजन वेयर। बेटा इरोजन वेयर जो है बेसिकली वो बेटा कटिंग एज पर होती है, अकर्स, इट अकर्स एट कटिंग एज, यानी कि अगर आप साइड कटिंग एज से कट कर रहे हैं तो साइड कटिंग एज पर होगा इरोजन, और अगर आप एंड कटिंग एज से कट कर रहे हैं तो एंड कटिंग एज पर होगा, ठीक है। देखिए अब आपको पता है बेटा कुछ ना कुछ सरफेस रफनेस तो कटिंग एज में होती ही है, मान लीजिए ये है सरफेस रफनेस कटिंग एज में, तो दिस इज टूल, ये टूल का हिस्सा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ क्या बहुत ज्यादा आपका ये रफनेस होगी चिप में भी, तो ये चिप हो गई ऊपर, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप कि पीक एंड वैलीज बनी हुई है चिप में भी और कटिंग टूल में भी। तो जब ये पीक किसी, जब चिप की पीक टूल की पीक से बेटा कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है बेटा आपका, तो क्या होता है, तो घिसाव होता है, एक तरह का इरोजन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे भी आपकी जो टू कटिंग एज है वो घिसनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसमें भी वियर स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि पीक टू पीक पर अगर मैं बात करूं, पीक जो होती है उन पर टेंशन फोर्स काम करता है और जो वैली होती है, वैली उन पर कंप्रेशन फोर्स काम करता है, कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। तो पीक जब कांटेक्ट में आती है पीक के या वैली के, तो टेंशन या कंप्रेशन फोर्स लगता है जिसकी वजह से इरोजन होता है, घिसाव होता है, किसका बेटा, कटिंग एज का, जिससे कि इरोजन वियर होती है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका इरोजन वियर के बारे में। अब हमने बेटा देख लिया बेटा तीन तरह की वियर, अब देखते हैं बेटा चौथी तरह की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा चौथी तरह की, इस पर कई क्वेश्चन आए हैं हमेशा, चौथी तरह की होती है बेटा केमिकल वियर। कौन सी, केमिकल वियर, नाम से ही जाहिर है कि ड्यू टू
गुड केमिकल एफिनिटी बिटवीन वर्कपीस एंड कटिंग टूल, यानी कि कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच जब केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तब बेटा केमिकल वियर होती है। ठीक है, क्या रीजन है इसका मेन? इसका मेन रीजन है बेटा गुड या वेरी हाई केमिकल एफिनिटी बिटवीन वर्क पीस एंड कटिंग टूल, यानी कि कटिंग टूल और वर्क पीस के बीच बहुत हाई केमिकल एफिनिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो केमिकल वियर होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे मैं टेम्परेचर की भी बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि जब बहुत हाई केमिकल एफिनिटी होती है बेटा कटिंग टूल और वर्क पीस के बीच तो क्या होता है बेटा कि केमिकल वियर होने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं, चाहे टेम्परेचर हाई हो या ना हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कपीस और टूल के बीच केमिकल एफिनिटी हाई होगी, ऐसा भी पॉसिबल है कि कटिंग टूल तो वेरी हाई केमिकल एफिनिटी बिटवीन वर्कपीस एंड कटिंग टूल और कटिंग फ्लूड। कभी कभार क्या होता है बेटा, हम ऐसा कटिंग फ्लूड चूज कर लेते हैं जो कटिंग टूल के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो हमें यहां से यह भी पता चला कि कटिंग फ्लूड को भी बहुत सुटेबल सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कटिंग टूल मटेरियल। ऐसा ना हो कि आप ऐसा फ्लूड चूज कर लें जो टूल के साथ एट रूम टेम्परेचर ही रिएक्शन कर जाए, तो जाहिर सी बात है कटिंग टूल की लाइफ बहुत 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 कम हो जाती है। ठीक है, तो केमिकल वियर के आपने ये दो रीजन देख लिए हैं, बेसिकली केमिकल एफिनिटी बिटवीन वर्कपीस एंड कटिंग टूल या केमिकल एफिनिटी बिटवीन कटिंग टूल एंड कटिंग फ्लूड। ओके, तो ये होता है। ठीक है, अब क्रिएटर वियर होती कितनी तरह की है? ठीक है, मैं यहां से ये साफ कर देता हूं। अब केमिकल वियर होती कितनी तरह की है बेटा? केमिकल वियर बेसिकली दो तरह की है बेटा। नंबर वन क्रिएटर वियर। ठीक है, क्रिएटर वियर की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना बेटा, इट अकर्स एट रेक फेस ऑफ कटिंग टूल यानी कि कटिंग टूल के रेक फेस पर ही क्रिएटर वियर होगी। ठीक है, कैसे होती है ये देख लीजिए, ये आपका कटिंग टूल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कटिंग टूल। तो क्या होता है, कटिंग टिप से 2 से 3 mm पर मैंने आपको बताया था कि कटिंग एज जो होती है, सॉरी चिप जो होती है वो सबसे ज्यादा घिसाव उत्पन्न करती है कटिंग टिप से 2 से 3 mm पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वहीं पर, और टेम्परेचर हाई होने का क्या कारण है यहां पर, क्योंकि कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा प्रॉपर होता है चिप और रेक फेस के बीच, तो यहां पर एक ऐसा गड्ढा बन जाता है बेटा कुछ समय पश्चात, यानी कि कुछ टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि एकदम बन जाएगा बट बनेगा जरूर, हाँ ये बात तय है। ठीक है, तो बेटा इसी वियर को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रेटर वियर, यही वियर आपकी कहलाती है क्रेटर वियर। तो क्रेटर वियर कहां उत्पन्न होती है, एक तो आपको पहले यही पता चल गया, वेयर इट डेवलप्स एट द रेक फेस ऑफ कटिंग टूल। ठीक है, ये पता चल गया आपको। दूसरा आपको जो चीज समझनी है बेटा, इसमें दो चीजों से क्रेटर वियर मापी जाती है, दो तरीके से क्रेटर वियर मापी जाती है। पहला क्या कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसे कहते हैं के ए, और एक बेटा इसकी गहराई डेप्थ कितनी है, दिस इज वेरी क्रिटिकल, के एम क्या बता, सॉरी के टी ले लो इसे बेटा, के एम अलग होता है के टी। तो बेटा के ए क्या बताता है हमें, विड्थ ऑफ क्रेटर, यानी कि जो गड्ढा बना है उसकी विड्थ कितनी है, और के टी हमें क्या बताती है, डेप्थ ऑफ
क्रेटा, क्रेटा, ठीक है। अब बेटा चिप और रेक फेस के बीच कॉन्टैक्ट एरिया जितना कम होगा उतनी ज्यादा गहरी बनेगी, ठीक है। तो वी नीड टू अवॉइड, वी नीड टू अवॉइड पॉइंट कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन चिप एंड रेक फेस, रेक फेस, यानी कि आप, हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्या कि जो चिप है उसके बीच और कटिंग टूल के रेक सरफेस के बीच पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, एक पर्टिकुलर एरिया पे होना चाहिए कॉन्टैक्ट, जितना एरिया ज्यादा होगा यानी कि के ए जितनी ज्यादा होगी, एज के ए इज हायर, बेटा के टी ऑब्वियसली कम होती चली जाएगी, गहराई कम होती चली जाएगी, देन के टी विल बी लोअर। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट ना होने दे, एक पूरी लेंथ पर कॉन्टैक्ट होगा, एरिया पर कॉन्टैक्ट होगा तो उतनी कम होगी के टी, क्योंकि के टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गहरा जितना कम होगा टूल उतना ज्यादा चल सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यह आपका क्रेटर वियर के बारे में। अब समझ लीजिए कि क्रेटर वियर जो होता है इसका मेन रीजन क्या है। ठीक है, क्रेटर का जो मेन रीजन है बेटा, मैं लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, मेन रीजन इज डिफ्यूजन एंड एब्रेशन एंड एंड एब्रेशन। ओके, तो क्रेटर वियर का जो मुख्य कारण है वो क्या है बेटा? डिफ्यूजन तथा एब्रेशन। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो या आपसे कोई वायवा में पूछता है तो आप बताएंगे इजीली बेटा डिफ्यूजन, कि द मेन रीजन ऑफ द क्रेटर वियर इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था बेटा? मास ट्रांसफर, बताया था ना मैंने आपको, मास डिसलोकेशन या एटॉमिक एटॉमिक ट्रांसफर, यानी कि एटम का, जो मटेरियल के एटम है उनका ट्रांसफर होना। तो डिफ्यूजन जो था वो बेसिकली मास ट्रांसफर था, आपको याद होगा। ठीक है, नाउ ये तो ये आपका मेन रीजन हो गया बेटा। ठीक है, कहां होती है आपको ये पता चल गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे समझ लीजिए आप अच्छे से। ओके, अब आपको ये भी याद रखना है बेटा कि क्रेटर वियर उत्पन्न कहां होती है। क्रेटर वियर जनरली प्रोड्यूसेस या डेवलप्स 2 to 3 mm अवे फ्रॉम द कटिंग टिप, ये मैं आपको बता चुका हूं, 2 to 3 mm अवे फ्रॉम द कटिंग टिप ऑन रेक सरफेस, मैक्सिमम टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर क्रेटर वियर अकर, एंड क्रेटर वियर जनरली अकर ड्यू टू डिफ्यूजन एंड एब्रेशन इज ऑल्सो, एब्रेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन दिस इफेक्ट, एब्रेशन भी इस इफेक्ट में क्या अपना कंट्रीब्यूशन देता है, हर हालत में देता है। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी बेटा क्रेटर वियर। अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंड टाइप वियर, केमिकल वियर की, ओके, केमिकल वियर का ही जो सेकेंड टाइप है उसे कहते हैं बेटा फ्लैंक वियर, फ्लैंक वियर, फ्लैंक वियर, ठीक है, फ्लैंक वियर। ठीक है, तो फ्लैंक वियर जो है बेटा ये कहां प्रोड्यूस होती है बेसिकली? एट प्रिंसिपल फ्लैंक प्लेन, प्रिंसिपल फ्लैंक फेस। ठीक है, जो प्रिंसिपल फ्लैंक फेस होता है बेटा, आपको पता है साइड फ्लैंक जो होता है, ठीक है, वहां पर ये प्रोड्यूस होती है जनरली, एंड फ्लैंक पर भी होती है नो डाउट, बट सिग्निफिकेंट यानी कि जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो तभी है जब ये इस प्लेन पर प्रोड्यूस सॉरी होगी। ठीक है, यानी कि जब एंड फ्लैंक पे, ये एंड फ्लैंक फेस पर है तब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना साइड फ्लैंक फेस या प्रिंसिपल फ्लैंक फेस पर। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन क्या है मेन? इसका मेन रीजन है बेटा एब्रेशन। अब देखो इसके रीजन को हम बेसिकली ऐसे समझेंगे, इनिशियली, इनिशियली
इट अकर्स ड्यू टू एब्रेशन. शुरुआत जब होती है इस वियर की तो वो एब्रेशन से होती है, बट लेटर डिफ्यूजन मेक्स इट वेरी रैपिड. लेकिन जब डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है तो ये बहुत तेज हो जाती है, ये बहुत ज्यादा तेजी से होने लगती है. ठीक है, तो होता क्या है बेटा, ये आपका कटिंग टूल है. दिस इज द प्रिंसिपल स्लैंग, आपको याद होगा. ठीक है, प्रिंसिपल स्लैंग. तो इसके इतने हिस्से पर ऐसे घिसाव के निशान दिखाई देते हैं. दिस इज, ये ऐसे घिसाव के निशान दिखाई देंगे. यानी कि जो कटिंग टूल होगा उसका अगला हिस्सा जो होगा थोड़ा सा एंड प्रिंसिपल फ्लैंक फेस पे, साइड फ्लैंक फेस पे, वो बहुत ही ज्यादा घिसा हुआ दिखाई देगा. तो इसे कहते हैं आप फ्लैंक वियर. ये होती है आपकी फ्लैंक वियर. और बेटा इस फ्लैंक वियर की जो जर्नल या मैं कहूं एवरेज विड्थ होती है, विड्थ, ठीक है, ये होती है इसकी विड्थ. जो एवरेज विड्थ होती है उसे हम कहते हैं VM. क्या कहते हैं बेटा? VM. तो VM इज द एवरेज फ्लैंक वियर ऑन द प्रिंसिपल फ्लैंक फेस. ओके, ठीक है. और बेटा मैं आपको बता दूं, दिस VM डिसाइड्स टू लाइफ, बात समझ में आई बेटा? यही फ्लैंक वियर है. फ्लैंक वियर इतनी इंपॉर्टेंट है कि यही टूल लाइफ को डिसाइड करती है. जर्नली इसी से हम टूल लाइफ को मेजर करते हैं बेटा, ये बात समझ के चलिए आप. तो यानी कि जो फ्लैंक फेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और इसी वजह से मैं आपको यहां पर एक बार बताना चाहूंगा कि जितने भी आपने टूल ज्योमेट्री में एंगल्स पढ़े हैं वो सारे एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो हमें लगता है रेक एंगल है, लेकिन बेसिकली जितने भी एंगल हमने पढ़ा उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीफ एंगल होते हैं. अगर रिलीफ एंगल सुटेबली सिलेक्ट ना किए जाए बेटा तो क्या होता है, फ्लैंक वियर बहुत ज्यादा हाई होती है. और जितनी फ्लैंक वियर हाई होगी कटिंग टूल लाइफ जो होगी बेटा वो उतनी कम होती चली जाएगी. ठीक है, तो अब इस होता क्या है कि जिसकी वजह से ये आपका घिसाव ज्यादा होता है. ठीक है, तो क्या होता है बेटा, मैं यहां से साफ कर देता हूं. ठीक है, आई होप आप पॉज करके नोट्स उतारते चल रहे होंगे. ठीक है, हाँ, होता क्या है बेटा कि ड्यू टू सडन एंट्री एंड सडन एग्जिट एट नॉचेस कटिंग टूल की सडन एंट्री मशीनिंग एरिया में या सडन एग्जिट नॉचेस के पास से. नॉचेस आप समझते हैं ना, जैसे नॉचेस है, मान लीजिए कोई वर्कपीस है, ये कोई वर्कपीस है, तो ये जो नॉचेस हैं आप देख रहे हैं ये नॉच है, तो इसके पास जब हम मशीनिंग एरिया में सडन एंट्री कर दें कटिंग टूल की, या इन नॉचेस के पास सडन एग्जिट करें, इनके पास से एकदम से कटिंग टूल को लेके जाएं, तो क्या होता है बेटा, फ्लैंक वियर बहुत हाई होती है. तो ड्यू टू सडन एंट्री एंड सडन एग्जिट ऑफ कटिंग टूल फ्लैंक वियर अपीयर्स रैपिडली, या कहूं फ्लैंक वियर अपीयर्स ड्यू टू सडन एंट्री एंड सडन एग्जिट ऑफ कटिंग टूल इनटू द मशीनिंग एरिया. बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको रीजन याद रखना है कि क्यों होती है. ठीक है, दूसरी चीज बेटा, ड्यू टू इलास्टिक रिकवरी एंड वर्क हार्डनिंग कंडीशन, यानी कि इलास्टिक रिकवरी और वर्क हार्डनिंग कंडीशन की वजह से भी क्या होता है, फ्लैंक वियर बहुत हाई होती है.
हाई होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब आपको मैं सिंपली दो लाइन में बताता हूं कि क्या रीजन है बेटा फ्लैंक वियर और क्रेटर वियर का। ठीक है, क्या रीजन है बेटा? ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा क्रेटर वियर की। क्रेटर वियर ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। वैसे तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है ये क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर, लेकिन फिर भी इसे याद रखने की कोशिश करना कि फ्लैंक वियर क्रेटर वियर। ठीक है, इसके रीजन मैं बता रहा हूं, रीजन। ठीक है, रीजन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हाई टेम्परेचर एट रेक फेस, हाई टेम्परेचर एट रेक फेस। ठीक है, यानी कि एक तो डिफ्यूजन की वजह से होती है क्रेटर वियर, एक हाई टेम्परेचर जब प्रोड्यूस होता है रेक फेस पर तब होती है, तीसरा हाई केमिकल एफिनिटी। किस किस के बीच मैं बता चुका हूं आपको, कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच, या कटिंग टूल कटिंग फ्लूड के बीच, एंड द लास्ट वन इज मशीनिंग, मशीनिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल। क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में बेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस चिप बनती है। हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, अपने पिछले लेक्चर्स में, कि डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो कंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस करता है। अब कंटिन्यूअस चिप का क्या होगा बेटा, ज्यादा देर तक चिप कॉन्टैक्ट में रहेगी रेक सरफेस के, तो जितनी ज्यादा देर तक रेक सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहेगी चिप, उतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं क्रेटर वियर के होने के। ठीक है, ओके, ये तो था क्रेटर वियर के बारे में। अब मैं बात करता हूं बेटा फ्लैंक वियर के, फ्लैंक वियर। ठीक है, इसमें जो मेन रीजन है बेटा वो एब्रेशन एंड डिफ्यूजन का है। ठीक है, एब्रेशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, ओके, और तीसरा दो और एक रीजन है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। बाकी आपको पता ही है कि अगर फ्लैंक एंगल आपने नहीं लिया, या जितने भी क्लियरेंस एंगल थे आपके साइड और एंड क्लियरेंस एंगल, अगर वो सुटेबली सिलेक्ट नहीं है तो भी ये वियर होगी, लेकिन ड्यूरिंग द मशीनिंग ये रीजन होता है बेटा। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, एनी डाउट? ठीक है, ओके, सो अब क्रेटर वियर के बारे में एक बात समझ लीजिए, क्रेटर वियर के बारे में यही एक बात समझ लीजिए बेटा, कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूं क्रेटर वियर, क्रेटर वियर और टेम्परेचर के बीच, और टेम्परेचर के बीच, ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्रेटर वियर बढ़ती चली जाएगी ऐसा। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है क्रेटर वियर और टेम्परेचर के बीच। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो ये आपकी बेटा केमिकल वियर दो टाइप की। अब एक और टाइप मैं आपको बताऊंगा केमिकल वियर का, थर्ड टाइप। ठीक है, हम केमिकल वियर ही पढ़ रहे हैं अभी, केमिकल वियर ही पढ़ रहे हैं, और इसमें एक और टाइप मैं आपको बताऊंगा बेटा, सी टाइप मान लीजिए इसे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वियर, ऑक्सीडेशन वियर। ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए बेटा, जब कटिंग टूल मशीनिंग करता है तो कटिंग टूल का भी टेम्परेचर बढ़ता है, वर्क पीस का भी बढ़ता है। ठीक है, तो कटिंग टूल का जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसे ही वो आपका क्या होता है कि हाई टेम्परेचर वाला कटिंग टूल एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो कटिंग टूल के ऊपर बेटा एक लेयर बन जाती है, किसकी, ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर, तो जिस भी मटेरियल का कटिंग टूल होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एट हाई टेम्परेचर और ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि ये लेयर अगले कट में, यानी कि जब दोबारा उससे मशीनिंग करोगे कटिंग टूल से, तो ये लेयर ऑटोमेटिकली खुद टूट जाती है और हट जाती है, क्योंकि ये मटेरियल बहुत ज्यादा ब्रिटल होती है, तो ये बेटा ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग द नेक्स्ट कट या ड्यूरिंग द नेक्स्ट मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये ऑक्साइड वियर जो होती है बेटा, ये एक लेयर की फॉर्म में होती है, लेयर बनती है कटिंग टूल पर, अगेन एंड अगेन बनती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्या होता है कि कटिंग टूल का मटेरियल
क्या ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जिससे लेयर बनती है, लेकिन ये लेयर बनती है टूटती है, बनती है टूटती है। तो ऐसा पॉसिबल होता है बेटा कि धीरे धीरे अगर बार बार ऑक्साइड लेयर बन रही है तो हो सकता है कि वो टूटने के साथ साथ कुछ मटेरियल अपने साथ ले जाए, किसका, कटिंग टूल का। तो ये भी एक तरह की वियर होती है। तो मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन जो होती है लेयर वो वियर होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अगर कोई पूछे आपसे कि इसका भी रीजन क्या है तो आप बताएंगे रीजन हाई मशीनिंग टेम्परेचर, हाई मशीनिंग मशीनिंग टेम्परेचर। बात समझ में आ गई, ठीक है, एनी डाउट, ओके। कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो इसमें तो अब हम बार बार इस बात को डिस्कस करते रहेंगे बेटा वियर, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे बेटा टूल लाइफ के बारे में आने वाले लेक्चर्स में। तो आपको जो भी डाउट है आप फौरन कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं बेटा कि कौन कौन सी सर वियर में क्या मैकेनिज्म लग रही है, कौन सा इसका रीजन होता है, ठीक है। और मैं आपको बार बार ये आपको एडवाइस देते हुए चल रहा हूं बेटा कि आप साथ साथ क्वेश्चन भी लगाते रहिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा बेटा कि इसमें कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के नहीं आते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक जो है टूल फेलियर का वो है इफेक्ट ऑफ वियर ऑन मशीनिंग, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, रिलेशनशिप्स का जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, ठीक है। कैसे हम इस चीज को समझेंगे आप समझिए, ठीक है। देखिए जैसे ही बेटा टूल वियर इंक्रीज होती है, जैसे ही टूल वियर बढ़ेगी तो क्या होगा, देन समझ जाना बेटा कटिंग फोर्स पी जेड विल इंक्रीज, और जैसे ही पी जेड बढ़ेगा वैसे ही कटिंग पावर, या कहूं पावर कंजम्पशन, ज्यादा अच्छा वर्ड है यहां पर, पावर कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। जैसे ही टूल वेयर बढ़ेगी क्या होगा बेटा, कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा और पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, साथ साथ बेटा सरफेस फिनिश विल डिक्रीज, सरफेस फिनिश कम होती जाएगी। और सरफेस फिनिश क्यों कम होगी बेटा, जो वाइब्रेशंस वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेटा कटिंग टूल के इफेक्ट जो आपको याद रखने हैं कि जो सॉरी कटिंग टूल वियर के, यानी कि वो वियर जो कटिंग टूल उत्पन्न होती है जब वो हाई होगी तो कटिंग फोर्स ज्यादा होगा, पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, सरफेस फिनिश कम होगी और वाइब्रेशन भी आपका बहुत हाई होगा। इससे क्या होता है, ओवरऑल डायमेंशनल एक्यूरेसी जो होती है वर्क पीस की वो कम होने लगती है, यानी कि जो एक्यूरेसी है डायमेंशन की जो आपको बनाना है वो कम होने लगता है, आपको बनाना 50 mm का है बन जाएगा 40 mm का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से। तो आज हमने देखा बेटा कि टूल वियर क्या होती है, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस का क्या क्या रीजन है किस टूल वियर के, ओके, और इनके इफेक्ट क्या है बेटा मशीनिंग पैरामीटर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया है, ठीक। तो आज के लिए तो इतना ही, अब आगे के लेक्चर में बेटा हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप बेटा इस लेक्चर को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर भी आने वाले हैं, ठीक है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।